तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक में वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल के ऊपर वीडियो है। क्योंकि मैंने रजिस्टर है, कैपेसिटर है, जितने भी मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स आते हैं उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में, उनको पहचानने का तरीका, उनको मदरबोर्ड में कैसे काम करते हैं उनका तरीका, मैंने इन सभी चीजों के ऊपर वीडियो मैंने बना के दिया हुआ है। लेकिन आज मैं स्टूडेंट के लिए वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये प्रैक्टिकली टॉपिक के ऊपर वीडियो है कि आप जितने भी सारे लोग हैं जो मेरा आप टॉपिक सीख चुके हैं कि कंपोनेंट कैसे काम करता है, मल्टीमीटर कैसे चलता है, या मदरबोर्ड में कैसे चेकिंग करी जाती है, इन सब चीजों के बारे में जो आप सीख चुके हैं लेकिन आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं देखा। आज दोस्तों मैं उसी टॉपिक के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में कोई किसी चीज पर ज्यादा समय नहीं लगता है। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इनको तुरंत प्रैक्टिकल हो जाता है, और आप इसी तरीके से देख करके आप भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आप भी मोबाइल फोन को चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से रिपेयरिंग के हम लोग टेक्निकली कोर्स आपको सिखाते हैं। यहाँ पर जितने भी सारे जो बच्चे लोग बाहर से सीखने के लिए आते हैं, उन लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का कम्प्लीट मोबाइल फोन के बारे में सिखाया जाता है। और जितने भी मोबाइल फोन आते हैं उनको मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, उनका कैटेगरी क्या होता है, उनका सिस्टम क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं। और ये हमारी प्रैक्टिकल लैब है। प्रैक्टिकल लैब में जितने भी सारे बच्चे लोग होते हैं सब लोग एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं, उनको सीखते हैं मोबाइल फोन को कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका क्या होता है, उसको बनाने के स्टेप क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और हम आज प्रैक्टिकल को समझते हैं कि कैसे मदरबोर्ड के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, डायोड, चार चीजों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं चार चीजों को मैं चेक करना बताऊंगा कि कैसे हम रजिस्टर, कैपेसिटर, क्वाइल, डायोड को चेक कर पाएंगे और उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। तो पहले मैं आपको रजिस्टर को बताता हूँ, फिर कैपेसिटर को बताता हूँ, फिर कॉइल को बताता हूँ, फिर डायोड को बताता हूँ। तो दोस्तों, ये जितना भी वीडियो है पूरा आखिरी तक आप देखिए, ताकि आपको सभी चीजों के बारे में अच्छे समझ में आ जाए और आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुनिया में, मोबाइल फोन के लाइन में आप एक बेहतर नॉलेज को गेन कर सके। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत खास तौर पर है जो आज मोबाइल फोन की रिपेयरिंग के लाइन पे सिर्फ वो मल्टीमीटर चलाने के अलावा कुछ नहीं जानते। मल्टीमीटर का क्या जानते हैं, वो बैटरी चेक कर लेते हैं, मोबाइल फोन में स्पीकर रिंगर माइक चेक कर लेते हैं, जनरल से टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन मदरबोर्ड को चेक करना नहीं जानते, मदरबोर्ड को रिपेयर करना नहीं जानते। तो हम लोग मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करने का तरीका ही आपको सिखा रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और मोबाइल फोन के अंदर, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स, रजिस्टर, कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसको पहचानते कैसे हैं। तो पहले आपको पहचान करा देता हूँ कि मोबाइल फोन के अंदर रजिस्टर, कैपेसिटर को आप कैसे पहचानेंगे, ताकि आप मदरबोर्ड में उसको पहचान सकें, फिर मैं उनको चेक करना भी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर उनको पहचानेंगे। हमारे मोबाइल फोन के अंदर बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं, ये छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। अगर आप इनको देख पाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर के काले काले लगे होते हैं, ये आपके रजिस्टर होते हैं। जैसे मेरे पास अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का जो लगा है, इसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर कैसा होता है, साइड में सिल्वर होता है, दोनों पॉइंट सिल्वर होते हैं, और बीच की बॉडी जो होती है ब्लैक कलर की होती है। एक अगर आप देखेंगे तो ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है, साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर का, ये भी साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का है। ये आपके मोबाइल फोन में साइड में सिल्वर, बीच में ब्लैक कलर का, ये जितने काले काले कलर का जो छोटे छोटे लगे होते हैं, इन सबको रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर बोलिए या रजिस्टेंस बोलिए, एक ही बात है। अगर आप ये देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके जो भी ब्लैक कलर के लगे हुए छोटे छोटे, ये सारे आपके क्या लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर। ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा रजिस्टर है, जो काले कलर का ब्लैक कलर का दिखता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि कैमरे में मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से दिखा पाऊँ। और भी मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूँ कि हमारे बोर्ड में से और भी रजिस्टर होते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें से जीरो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जीरो। तो इसको हम लोग फ्यूजिबल रजिस्टर बोलते हैं, ये फ्यूज की तरह काम करता है। ये साइड में सिल्वर होता है और बीच में जीरो लिखा है, तो ये हमारा फ्यूज है, इसको फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बोला जाता है। और आप मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में देखेंगे तो जितने भी ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे, जैसे ये लगा हुआ है ब्लैक कलर का, ये हमारा क्या है, रजिस्टर है। साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर का है। और भी मैं आपको मोबाइल फोन में दिखाता हूँ, ये जितने भी ब्लैक कलर के जो छोटे छोटे जो काले काले लगे हैं, साइड में सिल्वर है, साइड में सिल्वर है, बीच में ब्लैक कलर का लगा, और ये सारे रजिस्टर है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो ये ब्राउन कलर के जो लगे होते हैं, इनको दोस्तों हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने भी ब्राउन कलर लगे दिख रहे हैं सब आपको, साइड में सिल्वर, बीच में ब्राउन, 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 ये आपका मोबाइल फोन के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। और आपके मोबाइल फोन के अंदर ये दोस्तों जो ब्लैक कलर की मोटी मोटी सी लगी होती है, ये आपकी कॉइल है, इनको हम लोग नॉर्मल कॉइल बोलते हैं।
ये आपकी काली काली लगी है, ये आपकी कॉइल है, इनको जब आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर की दिख रही है। और आपके मोबाइल फोन में से ये जो मोटी मोटी राउंड राउंड शेप में दिखी होती है, इनको हम लोग बूट्स या बक कॉइल नाम से इनको हम लोग जानते हैं, ये भी मोटी मोटी लगी होती है, ये कॉइल लगे हुए हैं। और मैं आपको अब आपको डायोड दिखाता हूँ कि मोबाइल फोन के ना डायोड कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो दो दो पिन के लगे हुए हैं, ये सारे डायोड लगे हुए हैं। ये दो पिन का जो लगा है डायोड है, ये भी दो पिन का डायोड है, ये भी दो पिन का डायोड है। और आपके मोबाइल फोन के अंदर ये जो लाइट जलाने काम करता है, इसको हम लोग एलईडी डायोड बोलते हैं, ये रोशनी देने का काम करता है, एक प्लस एक माइनस होता है। तो ये हमारे मोबाइल फोन के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब हम लोग दोस्तों इन जितने भी सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, दिखाए हैं, समझाए हैं, उनको हम लोग चेक करना बताते हैं। अब देखो बोर्ड में भी दिखाता हूँ, ये ब्राउन कलर के जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे तुम्हारे क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ये ब्लैक कलर का जो लगा है रजिस्टर लगा है, ये तुम्हारा कैपेसिटर लगा हुआ, ये तुम्हारा रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है। आप सभी लोग इन सब चीजों को बिल्कुल गौर से देखिए, ताकि आप मदरबोर्ड में आप अच्छी तरीके से इनको पहचान सके। और ये आपके मोबाइल फोन में अगर आप देखेंगे तो ये दो दो कलर के लगे हैं, तो इनको हम लोग कॉइल बोलते हैं। देखो इसमें दो कलर पाए जा रहे हैं, आधा व्हाइट आधा ब्लैक है, ये टू टू कलर की लगी कॉइल लगी, ये ब्लू कलर लगे ये कॉइल है, ये भी दो कलर की लगी ये भी कॉइल है, ये भी टू कलर कॉइल है। ये हमेशा नेटवर्क सेक्शन में पाई जाती है, सिग्नल को पास करने काम करती है। ये तुम्हारा जीरो लगा है, ये फिजिबल रजिस्टर लगा हुआ है, ये ब्राउन कलर लगा है कैपेसिटर लगा है, ये टू कलर का लगा है ये कॉइल लगा हुआ है, ये आपको ब्लैक कलर का जो लगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, साइड में सिल्वर बीच में ब्लैक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चेक करना सीखेंगे कि मोबाइल फोन में से कुछ चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका क्या होता है। तो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड के अंदर रजिस्टर को आप चेक कैसे करेंगे। ये जो जीरो लिखा है इसे फ्यूजिबल रजिस्टर हम लोग बोलते हैं, इसको चेक करेंगे। इसके दोनों पिनों को चेक करने पर देखिए हमारा मल्टीमीटर बीप साउंड दे रहा है, क्या दे रहा है, बीप साउंड दे रहा है, बजर साउंड दे रहा है। अगर बीप साउंड दे रहा है तो इसका मतलब होता है कि हमारा ये सही है, अगर बीप नहीं देगा तो हमारा क्या है, खराब है। ये फ्यूजिबल रजिस्टर है, इसका काम होता है बीप देना, क्या काम करना, बीप देना। जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा, बीप, बीप साउंड आ रही है, इसका मतलब सही है। उसके बाद जो ब्लैक कलर जो छोटे छोटे लगे इसके साइड में सिल्वर, इसके दोनों पॉइंट को चेक करेंगे। देखिए मैं आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, आप चेक कैसे करेंगे। इसके दोनों जो सिल्वर के पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंटों में रखेंगे, ऐसे रखेंगे, रखने पर अगर ये बीप देता है, वैल्यू देता है तो सही है, कुछ नहीं देता तो खराब है। अब यहाँ पर समय पर कुछ वैल्यू नहीं आ रही, जब कुछ वैल्यू नहीं आ रही तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को ओम रेंज पर सेट करेंगे, क्या करेंगे, ओम रेंज पर सेट करेंगे। अब ओम रेंज पर सेट करने का मतलब रहता है कि आप मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को 20 किलो ओम की रेंज पर सेट करेंगे। 20 किलो ओम की रेंज पर सेट करने के बाद आप इसको चेक करेंगे, तो ये आपका वैल्यू बताएगा। अगर नहीं वैल्यू बताता तो हो सकता है वैल्यू इसकी ज़्यादा हो, तो आप और ज़्यादा पर सेट कर दीजिए। देखिए इसकी वैल्यू कितनी, 159, 160 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, क्योंकि हम लोग 200 किलो ओम पे चेक कर रहे हैं, तो 160 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चेक किया है, ऐसे हम लोग इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को नाप लेते हैं, वैल्यू को चेक कर लेते हैं। ओम रेंज पर कम ज़्यादा करके चेक करेंगे तो जितनी वैल्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर ये वैल्यू देता है तो सही है, बीप देता है तो भी सही है, अगर कुछ नहीं देता है तो खराब है। तो हम मोबाइल फोन के अंदर जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं रेजिस्टेंस है, अगर ये वैल्यू दे रहे हैं तो सही है, वैल्यू नहीं दे रहे तो खराब है, खराब होने पर आप इनको चेंज करेंगे। आपके मोबाइल फोन जो ब्राउन कलर के लगे होते हैं, भूरे भूरे कलर के लगे होते हैं, इनको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर को मोस्टली हम लोग बी पॉइंट में चेक करते हैं, अगर बी पॉइंट में चेक करने पर ये बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। अब हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे, जो ब्राउन कलर लगा इसको साइड में सिल्वर दोनों पॉइंटों को रख करके चेक करेंगे, तो चेक करने पर क्या देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं दे रहा तो हमारा सही है। अगर ये बीप देने लगेगा तो क्या है, बीप देने का मतलब खराब हो जाता है, जैसे बीप दे रहे हैं तो बीप देने का मतलब होता है कैपेसिटर में शॉर्टिंग है। अगर वैल्यू दे या ना दे तो सही है, बीप देने का मतलब शॉर्ट है। अब आप कॉइल को चेक करेंगे, टू कलर कॉइल को चेक करेंगे तो कॉइल चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर कॉइल चेक करने पर बीप देता है तो सही है, बीप नहीं देता है तो खराब है। इसको चेक करेंगे, चेक करने पर क्या देगा, बीप देगा। अगर कॉइल की टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर से दोनों पॉइंटों में चेक करेंगे, चेक करने पर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। ये कॉइल को चेक करने का तरीका है, कॉइल को चेक करने का सिद्धांत है।
और मोबाइल फोन में जो बूस्ट कॉइल लगी होती है उनको भी साइड में दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे तो निकाल करके उल्टा करके चेक कर सकते हो, क्योंकि उनके पिनों में हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। ये बीप दे रही है तो हमारा सही है। उसके बाद फिर हम लोग चेक करते हैं मोबाइल फोन के अंदर डायोड को चेक करते हैं। डायोड दो पिन का होता है जैसे लगा हुआ, इसके दोनों पॉइंट को चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या होगा, एक तरफ से वैल्यू आएगी एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी। मल्टीमीटर को आपको डायोड की रेंज पे सेट करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से वैल्यू नहीं दे रहा है, इसको हम लोग उल्टा करके चेक करेंगे तो उल्टा करने पर ये वैल्यू दे रहा है। तो वैल्यू देने का मतलब है सही है। देखिए एक तरफ से वैल्यू कितनी आ रही है, 226। उल्टा करके हमने चेक किया कोई वैल्यू नहीं, इसको बोलते हैं वन साइड वैल्यू। एक साइड वैल्यू आती है तो सही है, वैल्यू नहीं आती तो खराब है। हमने जो बगल में दूसरा डायोड लगा उसको चेक किया, चेक करने पर वैल्यू नहीं दे रहा है। उल्टा करके हमने पलट के चेक किया तो चेक करने पर क्या दे रहा है, ये हटा हुआ लेग हटा हुआ है, ये हटा हुआ है। चलिए हट जाने दो, हम उल्टा करके चेक कर लेते हैं, नहीं दे रहा है। हमने इसको पलट के चेक किया नहीं दे रहा है, ये हमारा खराब है। अब हम लोग दूसरे डायोड को चेक करेंगे। अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो कहाँ डायोड लगा है और कहाँ लगा है, जितने भी मोबाइल फोन के अंदर छोटे छोटे जैसे ये लगा हुआ है, हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने पर क्या होगा, वैल्यू नहीं दे रहा है। हमने इसको उल्टा करके चेक किया, ये वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब होता है हमारा डायोड सही है। ये देखिए दो पिन का बहुत मोटा सा डायोड लगा, इसको चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या होगा, वैल्यू दे रहा है। वैल्यू देने का मतलब क्या है, सही है। अगर वैल्यू नहीं दे रहा तो हमारा क्या है, खराब है। तो इस तरीके तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको जो मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, जितने भी हमारे मोबाइल फोन के अंदर पार्ट पुर्जे लगे होते हैं, हम लोगों ने इनको चेक करने के बारे में आपको बताया है। इसी तरीके से जितने भी सारे बच्चे लोग आते हैं सीखने के लिए, वो सब लोग एक एक करके वन बाय वन करके बोर्ड लेते हैं, और जितने भी सारे मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे मोबाइल फोन को चलाने के लिए टोटल 14 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, स्पीकर, रिंगर, माइक, टच डिस्प्ले, आईसी, सब इस तरीके सबको मिला करके 14-15 तरह के कंपोनेंट लगे होते हैं। वो सारे कंपोनेंट मिल करके पूरे मोबाइल फोन को चलाते हैं। अगर उस कंपोनेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी खराबी आ जाती है तो हमारा सर्किट काम करना बंद कर देता है, तो हम लोग उसी को रिपेयर करते हैं। और इसी चेकिंग को, इस काम करने के तरीके को हम लोग बेसिक चेकिंग बोलते हैं, बेसिक मदरबोर्ड के टेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, या बेसिक प्लेट चेकिंग कहते हैं। जब ये चेकिंग समझ में आएगा तभी हमको मदरबोर्ड को चेक करने का तरीका आएगा, तभी हमको मदरबोर्ड का रिपेयरिंग समझ में आएगा। तो दोस्तों ये सारी वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए है जो लोग मोबाइल फोन के लाइन में आना चाहते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं, या आज अपनी दुकान चला रहे हैं काफी साल से लेकिन वो मोबाइल फोन के लाइन में नहीं जानते, रिपेयरिंग के मामले में सिर्फ काम्बो डिस्प्ले टच सीमित बस इसी पर रह गए, वो मदरबोर्ड का काम नहीं जानते, तो वो लोग आकर के मदरबोर्ड की रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और दोस्त अगर आपको मोबाइल फोन रिपेयरिंग में मास्टर बनना है तो आपको दो काम पहले अच्छे से पकड़ने पड़ेंगे, एक तो मदरबोर्ड का काम सीखना पड़ेगा और एक आपको सॉफ्टवेयर काम सीखना पड़ेगा। अगर आप दो काम पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए आप मतलब मोबाइल फोन रिपेयरिंग के मास्टर हो जाएंगे, और आप अपने क्षेत्र में, अपने लोकल में रह करके ही अपने मोबाइल फोन, सारे मोबाइल फोन को बना सकते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, लोगों को कहते हैं कि सर मेरे पास मोबाइल फोन तो बहुत आते हैं लेकिन चार चार पांच पांच मोबाइल फोन झोला भर भर के ले जाते हैं, मार्केट से मोबाइल फोन को बना करके लाते हैं, और जो उसमें से खर्चा होता है आधा उसको देते हैं आधा अपने पास रखते हैं, तो इससे तो हमारा लाइफ नहीं चलने वाला। अगर हमको जब तक खुद काम नहीं आएगा तब तक हम पूरे अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, आप वीडियो के माध्यम से सीखिए, और अगर इस वीडियो से अगर आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग का इसी तरीके से पूरा काम सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और मोबाइल फोन रिपेयरिंग ट्रेनिंग के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्त इससे संबंधित मैंने और भी बहुत सारा वीडियो मैंने पीछे बना रखा है, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें से सारा वीडियो पड़ा हुआ है, और जो सारा सब चीज समझाते हैं उसको हम आपको लिख भी देते हैं ताकि जो ऐसे लोग हैं वो थोड़ा सा देख करके भी, पढ़ के भी समझ सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ये सारी वीडियो आपके ट्रेनिंग पर्पज पे है, ये डेमो वीडियो है, डेमो वीडियो के माध्यम से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आपको काम कैसे सिखाया जाता है और आप काम कैसे सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर, नए टॉपिक के ऊपर, और हमारा आगे का जो कंपोनेंट्स होगा वो ट्रांजिस्टर के बारे में होगा,
वो मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ ताकि आपको अगला वीडियो वो मिलेगा। ये मैंने प्रैक्टिकली वीडियो इसलिए बनाया ताकि हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे, उन लोगों ने कहा है कि सर आपने मुझे बता दिया पढ़ा दिया लेकिन आपने बोर्ड में नहीं दिखाया। तो भाई जब मैंने बोर्ड में नहीं दिखाया तो लो मैं तो तुमको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ, ताकि आप बोर्ड में देख लीजिए, पहचान लीजिए और मदर बोर्ड में चेक करिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीखने के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और आज मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि सर हमको कितने कितने तारीख को आना है। अगर आपको जब भी आपको आना है, जब तक आने का प्लान है, तो आप हमारे नीचे दो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्त, अगर आप मोबाइल फोन रिपेयरिंग के बारे में पूरा सीखना चाहते हैं तो एक बार जानकारी जरूर लें और क्लास को चलते हुए देखें, वहीं बैठे बैठे डेमो क्लास लें, कोई भी समस्या आती है तो आप वहीं से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ये हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है ये कानपुर सागर मार्केट में है, कानपुर रेलवे स्टेशन यहाँ से 500-700 मीटर नियर अबाउट है, आप आराम से पैदल आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आसाम, बिहार, झारखंड, यहाँ पर रहने के हॉस्टल सुविधा भी दे रखा है, आराम से रह करके पूरा दिन क्लास यहाँ सीखते हैं। जो बच्चे बाहर से आते हैं उनका फुल डे हम लोग कोर्स का प्राविधान रखा हुआ है, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उनका क्लास चलता है, पूरा दिन वो बेचारे क्लास करते हैं, 4 घंटे सुबह करते हैं, फिर 2 घंटे लंच करते हैं, फिर 4 घंटे शाम को क्लास करते हैं, इस तरीके से अपनी क्लास को 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, हमारी वीडियो को शेयर करें और अपनी स्टोरी पे भी लगाएं और अपने ग्रुप में भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको सीखने सिखाने में इतनी मदद कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी हमारी जाने अनजाने में मदद करिए, वीडियो को शेयर करिए। और दूसरी बात क्या, आपके और भी ऐसे भाई होंगे उनको भी वो वीडियो मिल जाएगा जिससे उनको भी सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।